राहुल गांधी जी के निलंबन में भारतीय जनता पार्टी और सरकार का क्या योगदान? कोई व्यक्ति जो है कोर्ट में जाकर के अपनी भावनाएं आहत हुई है उसको लेकर के सूट फाइल करता है, कोर्ट आपको उसके लिए अपने बचाव के लिए तर्क देने का अवसर देती है, आप नहीं करते। कोर्ट आपको माफ़ी मांगने का जो है के लिए मौका देती है, आप उसको भी नहीं करते। और उसके बाद में कानून की प्रक्रिया के तहत यदि आपको आपका सदस्यता समाप्त हो जाती है तब जाकर के और सारी पार्टी काले कपड़े पहन करके और उसके लिए जो है उस व्यवस्था का विरोध करती है, उस संवैधानिक संस्थान का विरोध करती है। मैं ये आग्रह से कहूँगा कि वो जो लोग आज सब काले कपड़े पहन रहे हैं वो सब सफ़ेद कपड़े पहन करके और टोपी लगा करके राहुल गांधी जी को समझाने क्यों नहीं गए थे कि भैया अगर न्यायपालिका की अवमानना करोगे, उनके दिए गए अवसर को ठुकराओगे तो ये देश का कानून है, अगर सजा मिली है तो इस सजा के तहत आपको इस तरह की परिस्थिति बन सकती है। पर जैसा मैंने कहा कि क्योंकि पार्टी, कांग्रेस पार्टी और पार्टी के लोग ये मानते हैं कि ये परिवार तो जो है वो संवैधानिक व्यवस्था से ऊपर है। हम सब ने देखा होगा इतिहास के पन्नों में लिखा हुआ है कि जब इंदिरा गांधी जी का चुनाव में गलत हथकंडे अपनाने के चलते चुनाव उनका जो है निरस्त कर दिया गया था, तब वो इसी तरह का काला कानून लेकर के आई थी कि प्रधानमंत्री का चुनाव जो है निरस्त नहीं किया जा सकता क्योंकि वो अपने आप को इस संवैधानिक व्यवस्था, न्यायपालिका की व्यवस्था से ऊपर समझती थी। एक बार वही डीएनए जो है आज भी बोल रहा है।